मैं सामाजिक कार्यक्रम से रंसार सैनी एक बार फिर आपसे इलेक्शन के मुद्दे पर मुखातिब। दरअसल आप तमाम के तवज्जे मैं एक अहम बात की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत से लोगों को मुमकिन है कि वोटर स्लिप ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको वोटर स्लिप नहीं मिली वो वोट नहीं दे सकते। वोटर स्लिप तो बस एक दावतनामा है। आपको अगर वोटर स्लिप नहीं मिली तब भी आप उस बूथ पर जहाँ पर आप हमेशा से वोट देते आए हैं आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर BLO मौजूद होगा, बूथ लेवल ऑफिसर जो आपके बूथ का जिम्मेदार है वो मौजूद होगा, वो तलाश करके आपको उसी वक्त वहाँ पर वोटर स्लिप दे देगा, या फिर दीगर अदाकार या वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, वो आपको इस सिलसिले में रहनुमाई करेंगे। अगर आपके आपके पास वोटर स्लिप नहीं है उस सूरत में भी आप कोई भी ID प्रूफ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसकी इजाज़त दी गई है, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या फिर कोई और शनाख्ती कार्ड आप लेकर अपने बूथ पर जा सकते हैं और अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक बार मेरी फिर से एक पुरजोर अपील है कि आप न सिर्फ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें बल्कि अपने रिश्तेदारों दोस्त अहबाब को इस सिलसिले में मुतवज्जा करें और लाजमन उन्हें पोलिंग बूथ तक ले जाएं ताकि वो अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। इस सिलसिले में बराए मेहरबानी किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करें, क्योंकि इंतखाबात अवाम के जरिए हुकूमत की तश्कील, एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अवाम के जरिए ही हुकूमत की तश्कील होती है। अगर आप अपनी मंशा के मुताबिक अपनी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील चाहते हैं तो फिर अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल कीजिए, अपना जो है वोट देकर अपना कौमी फरीजा अदा कीजिए।